सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नीट 2024 का रिजल्ट आ चुका है एंड ट्रस्ट मी, अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट रिजल्ट नीट की हिस्ट्री में। इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन कि लोगों को जिनके मार्क्स 710 आए हैं उनकी ऑल इंडिया रैंक 400 आ रही है। एक टाइम पे 700 मार्क्स पे ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 होते थे। आई एम नॉट सेइंग कि 700 मार्क्स वाले की रैंक अभी भी उतनी ही होनी चाहिए, बट स्टिल यार अगर पिछले साल से भी कंपेयर करो तो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है रैंक की। सो लाइक लास्ट ईयर 690 पे लगभग 600 के करीब रैंक थी एंड दिस टाइम 690 पे 4000 के करीब रैंक है। दो साल पहले 2022 के अंदर आई स्कोर 666 मार्क्स, तब मेरी रैंक 1900 थी। आज उस सेम मार्क्स पे लगभग 19000 रैंक है। 10x इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा नहीं होता है कभी भी किसी साल भी। माना पेपर लीक हो गया है ना, माना इस साल सिलेबस रिड्यूस हो गया, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स ज़्यादा थे, हर चीज़ ज़्यादा थी, बट स्टिल दिस अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ नॉट एक्सपेक्टेड किसी पर्टिकुलर एग्जाम में। लाइक लिटरली आई फील नीट के एग्जाम को मजाक बना के रख दिया। मतलब ये सोचो, कोई बच्चा अगर 680-685 मार्क्स स्कोर कर रहा है तो वो एम्स में जा ही नहीं सकता है। एम्स पटना, द कॉलेज वेयर आई बिलोंग, इसकी कट ऑफ भाई 705 मार्क्स जाने वाली है डेफिनेटली। एंड ये सोचो कि अगर किसी के 720 आ भी जाते हैं तो भी यू आर नॉट एबल टू गेट एम्स दिल्ली। इज दिस व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट वी आर वेटिंग फॉर? लाइक आई डोंट थिंक सो, दिस इज वर्थ इट, नीट का एग्जाम देना एंड एवरीथिंग, बट ऑनेस्टली अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट द रिजल्ट दैट एनीवन एक्सपेक्टेड। अब जो हो गया सो हो गया, लाइक वी कांट डू एनीथिंग। तुम्हें पता है एनटीए हर साल ऐसे ही करता है, तुम्हें पता है एनटीए से कभी भी सीधा काम होना नहीं है, हमेशा थिंग्स हैव बीन ऐसे के ऐसे ही। और इतना कुछ हुआ, पेपर लीक हुआ, चाहे पेपर के अंदर खराबी आई, कुछ भी चीज हुआ, उनका रिस्पॉन्स हमेशा जीरो था और जीरो ही रहेगा। सो दिस इज़ हाई टाइम आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अगर तुम ऑलरेडी इस चीज़ के अंदर, इस फील्ड के अंदर कूद चुके हो, वैन यू आर इन क्लास 11th 12th या ड्रॉप ले रहे हो, लाइक एज अ सीनियर एज एन एल्डर आई एम जस्ट सेइंग यू, अगर तुम ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर आ चुके हो, यू आर इन क्लास 11th 12th या ड्रॉप ले रहे हो, प्लीज़ सीरियसली पढ़ना शुरू कर दो। बिकॉज द थिंग इज़, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम जिस हिसाब से जा रहे हो, तुम मॉक टेस्ट में 550-600 नंबर भी ला रहे हो, अगर तो भी तुम्हें लग रहा है कि तुम नीट में एकदम सेलेक्ट ही हो जाओगे, नहीं हो पाओगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो 630-640 मार्क्स ले रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनका सिलेक्शन कहीं भी नहीं हो रहा है पूरी इंडिया में, यूपी जैसे स्टेट की कट ऑफ 650-660 जा रही है। तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि तुमको कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तुम 660-670 लाओगे तो भी तुम किसी बेकार से कॉलेज में जाओगे, एम्स को छोड़ ही दो, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है इफ़ यू आर इन क्लास 11th और 12th और अभी तुम ड्रॉप ले रहे हो तो। एंड इफ़ यू आर समवन जो कि क्लास 10th में है या जूनियर है, प्लीज़ सोच समझ के इस फील्ड में आना, बिकॉज इस फील्ड की रेपुटेशन जो है ये एग्ज़ाम ही ख़राब किए जा रहा है। एक डॉक्टर बनने की जो इज्जत और एक रेपुटेशन होती थी, उस एग्ज़ाम का एक दर्जा होता था, एक लेवल होता था एम्स का, भाई हलवा पेपर बना के रख दिया, हलवा एग्ज़ाम बना दिया, मतलब कोई भी आओ दे के चले जाओ और कैसे भी पेपर बना दो और कोई भी उसको दे करके चले जाओ और रैंक तुम्हारी आएगी ऐसे ही। दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट करा था एंड दिस इज़ नॉट समथिंग जो आप लोगों ने भी एक्सपेक्ट करा होगा। जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ़ यू ऑन बिहाफ ऑफ मी एंड मेड मेंटर्स की टीम, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। और जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू से डोंट लूज होप, मुझे सिस्टम पे भरोसा नहीं है, बट आई हैव फेथ इन यू, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो एंड तुम्हें समझ में आ रहा है चीज़ें अब कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, कितना पढ़ने की ज़रूरत है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज एंड वी आर गोइंग टू लॉन्च नया बायोलॉजी का सीरीज़ ऑन यूट्यूब मेड मेंटर्स प्रोजेक्ट नीट के चैनल के ऊपर। वीडियो विल कम आउट सून, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय गाइज।